अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन पेपरोनी। इससे पहले मैं चिकन सलामी की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो मैं आपके उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अच्छा, ये आज पेपरोनी के लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लें। 300 मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसकी छोटे साइज की बोटियाँ इस तरह से मैंने चॉप कर ली हैं। 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के ये जवे ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं ये। रेड चिली पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट का लिया है, 1 चुटकी मैंने ऑरेगानो ली है, 2 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चियाँ ली हैं और ये पेपरिका पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। चले हम इसे चॉप कर लेते हैं। ये चिकन हम डाल देते हैं इसमें। एक चीज इसमें और ऐड होगी जो कि मैं बाद में ऐड करूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। देखें, सारा मिक्सचर अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें, मैं बता रही थी आपको कुछ सीक्रेट है जो मैं बाद में बताऊंगी, कि मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून भरकर। अब हम इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्द आप तक पहुंच जाए। एक साइड पे मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब भी फुल बॉईल होगा तो हमने अपनी पेपरोनी का जो बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे वो हम इसमें पेपरोनी ऐड कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पेपरोनी को बनाना कैसे है। फॉइल कवर ले लिया है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर अक्सर लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि लेमिनेशन कवर में डालकर पेपरोनी या सलामी को वो बॉईल कर रहे होते हैं तो उससे काफ़ी जर्म्स हो जाते हैं, वो इतना सिक्योर नहीं होता। तो आपने जब करना है तो आपने इसी फॉइल कवर में ही करना है। अब मैं इसमें पेपरोनी रख दूँगी और इसे अच्छे से हमने फोल्ड करना है। इधर से करके हम इसे फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके इक्वल करना है हमने इसको। पहले देखें, राउंड राउंड में करते जाएंगे हम इसको ऐसे। ये बिल्कुल राउंड में हमने कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस साइड से हम पकड़ के इसको अच्छे से टाइट करेंगे और इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही पहले टाइट कर लेंगे, ऐसे करके अच्छे से टाइट करेंगे और इसको फिर हमने ऐसे अच्छी तरह से बंद कर देना है और इस साइड से भी हमने इसको ऐसे ही अच्छी तरह से बंद कर देना है। देखें, एक कैंडी की शेप दे दी है हमने इसको, एक कैंडी की शेप में बना लिया है हमने इस पेपरोनी को ताकि इसमें पानी शामिल ना हो सके, अंदर दाखिल ना हो पानी। अब पानी को बॉईल आ गया है तो अब हम इसमें पेपरोनी को डाल देते हैं। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें पेपरोनी डाल देते हैं और हम इस पानी में इसको आधे घंटे के लिए इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने देंगे। अब मैं इसका लिड बंद कर देती हूँ और इसकी साइड हम थोड़ी देर बाद 30 मिनट्स के लिए जब हम करेंगे तो 15 मिनट्स के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे और 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फुल बॉयल पर ये पकती रहेगी। देखिए, 15 मिनट्स हो गए हैं तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं, फुल बॉयल हो रहा है ये। बहुत एहतियात से कीजिएगा, देखें ऐसे करके। आराम आराम से करके ही फोल्ड होगा, देखें साइड चेंज हो गई है। अब हम इसे इसके लिड को बंद कर देते हैं, 15 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
पूरे हो गए हैं। अब हम इस पेपरोनी को निकाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। और इससे बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं आप, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पफ पेस्ट्री से कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी। चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत गर्म है, अभी भी काफ़ी देर हो गई है। हालांकि जो दोनों साइड्स पर हैं, पहले हम इनको रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा को। ये देखिए नाइफ तेज रखिएगा। ये देखिए मैं आपको इसके स्लाइस करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पेपरोनी रेडी हो गई है। ट्राई करके बताइएगा आपको कैसी लगी।